भगवान की तस्वीर का कांच टूटना देता है ये संकेत। हिंदू धर्म में पूजा और उससे जुड़ी चीजों का एक विशेष स्थान रखता है, लेकिन कई बार भगवान की पूजा या फिर सफाई करते समय तस्वीर टूट जाती है। कई बार यह तस्वीर कांच की होती है और इसका टूटना सही नहीं माना जाता। आइए जानते हैं इसके बारे में। वास्तु शास्त्र में कांच का टूटना अशुभ माना जाता है। यहाँ भगवान की तस्वीर का कांच टूटना भी सही नहीं होता है, यह आने वाले नुकसान का संकेत हो सकता है। भगवान की तस्वीर का कांच टूटना आर्थिक नुकसान को दर्शाता है और इसके अलावा यह सेहत को भी हानि पहुंचा सकता है। कांच टूटना वास्तु के अनुसार शुभ नहीं माना जाता, यह घर में नकारात्मकता का संकेत देता है। इसलिए घर में इस तरह की मूर्ति रखने से बचना चाहिए, इस तरह की चित्र रखने से बचना चाहिए जिसमें कांच लगे हों। मान्यताओं के अनुसार भगवान की तस्वीर का टूटना या फिर खंडित होना मन में बाधा पैदा कर सकता है, क्योंकि पूजा करते समय भगवान की टूटी हुई तस्वीर नहीं देखनी चाहिए। घर में तस्वीर के कांच अचानक टूटना सही नहीं मानते हैं, यह किसी तरह का आने वाला संकट था जो कांच ने अपने ऊपर ले लिया। हिंदू धर्म में भगवान की तस्वीर का कांच टूटना अशुभ होता है और इसका कांच टूटने पर तुरंत बदल देना चाहिए। साथ ही इसे आप नदी में विसर्जित कर सकते हैं या फिर किसी स्वच्छ जगह पर मिट्टी में गड्ढा खोदकर उसमें आप विसर्जित कर सकते हैं। फोटो फ्रेम में लगा कांच टूट जाए तो इससे भगवान की तस्वीर को अलग कर दें, उसे नदी में प्रवाहित कर सकते हैं।